दिस इज द सेकेंड क्लास और एडमिशन 15 में गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स ये सब दिया हुआ है. सी इज एडमिटेड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसको पहले मार्क कर लेता है 2:1. सी जो है वो 1 लाख कैपिटल लाएगा और 60,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल बोल दिया है. दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल. दैट इज नॉट द गुडविल ऑफ द होल फर्म. ही शेयर द प्रीमियम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1. तो हम लोग का न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो मेरा ओल्ड रेशियो ही सैटिस्फाइंग रेशियो हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:1. सी शेयर 1/4 कीप इट लाइक दैट. न्यू रेशियो नहीं चाहिए हम लोगों को. अब इफ यू वांट यू कैन पास वो सी जो कैपिटल लाया है प्रीमियम पर गुड लाया उसका एंट्री हम इसके पहले का सम से बनाया हुआ है बहुत सारा तो अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग विद रिवैल्यूएशन अकाउंट. पॉइंट नंबर 2 में बोलता है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000. प्लांट का पहले कितना था 1 लाख बढ़ के हो गया 1,20,000. 20,000 से बढ़ाया जाएगा तो बाई प्लांट 20,000. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10% तो 1,50,000 का 10% बाई बिल्डिंग 15,000. स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू. स्टॉक बढ़ा हुआ है स्टॉक को घटाना पड़ेगा 4,000 से घटाओगे तो 2 स्टॉक. अब प्रोविजन पर बैड एंड डाउटफुल डेट ये लायबिलिटी होता है डेटर्स के ऊपर क्रिएट होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ डेटर्स 6,000. पॉइंट नंबर 5 क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000. क्रेडिटर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया. यू विल हैव टू रिकॉर्ड. लायबिलिटी बढ़ेगा तो 2 क्रेडिटर्स 1,000. वी आर डन विथ योर रिवैल्यूएशन. प्लीज कैलकुलेट. अच्छा प्रोविजन 5% ऑफ डेटर्स बोला हुआ है. आई रीड इट 10% इट विल बी 3,000. नाउ बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है 437 + 1 = 8. क्रेडिट साइड में आ रहा है 35,000. 35 - 8 कितना होता है 35,000 - 8 इज कमिंग टू 27,000. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्टनर्स कैपिटल ए पी 27,000 और ओल्ड रेशियो 2/3. बी 27,000 इंटू 1/3 18,000 9,000. वी आर डन विद रिवैल्यूएशन. डन राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज यूज अ स्केल टू ड्रॉ लाइंस बिकॉज आप पेंट करो पेंसिल से करो क्लास में तो कोई इशू नहीं है. टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आप कुछ भी लिखो पेंसिल से करो पेन से करो कोई फर्क नहीं पड़ता इन द क्लास. बट फॉर्मेट के लिए आई वुड सजेस्ट ऑलवेज यूज द स्केल. सिंस देयर आर 3 पार्टनर्स सो देयर विल बी 3 कॉलम्स ए बी एंड सी. एग्जाम में ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज पेंसिल. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और 1,50,000. धर्म पालन का पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप होता है रिजर्व को बांटना.
रिजर्व्स इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में कुछ है नहीं, ना ही कोई लॉस है एसेट साइड में, उसे अगेंस्ट स्टेप हम लोग स्किप कर जाएंगे। थर्ड स्टेप था रिवैल्यूएशन का बैलेंस को पोस्ट करना। तो रिवैल्यूएशन में अगर टू पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में आता है बाई रिवैल्यूएशन, 18,000, 9,000। अब आता है नया पार्टनर जो पैसा लाता है उसका एंट्री, कैपिटल जो लाया है वो सी का अकाउंट में डालो। कैपिटल लाया है 1 लाख तो सी में डालो 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो 60,000 लाया है वो बाई पीएफजी बोल के, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइंड इट 2:1 में बांटोगे तो इज कमिंग टू 40,000 एंड 20,000 आई गेस। We are done with all kinds of posting in our partners capital. We will simply have to balance it off. To balance, get it down. 2,20,000, 2,38,000 A का balance. 1,70,000, 9,000 और 1 लाख। गॉट इट। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना कोई भी अकाउंट में, भले आप सबका एंड में लिखो या स्टार्टिंग में लिखो, बट लिखना जरूर है। व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट डू रिमेम्बर टेक हेल्प ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ओनली। क्वेश्चन पेपर में जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप बैलेंस शीट बनाओ। लायबिलिटीज आप दो अमाउंट कॉलम बना सकते हो, अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीज। बिल्स पेबल था पहला आइटम लाइब्रेरी में, कोई चेंज नहीं आया, जितना था उतना ही बैठेगा दूस। बिल्स पेबल था 10,000 का तो उतना ही बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा। टेन थाउजेंड क्रेडिटर्स 58,000, 1,000 रुपया से कम हो गया है तो इट विल बी 57,000। बढ़ गया है 59,000, टू क्रेडिटर मतलब बढ़ गया है। आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 58 प्लस 1,000 59,000। क्रेडिटर्स के बाद था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जितना था उतना ही आएगा। क्रेडिटर्स कैपिटल का बैलेंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो वो डाल देना। कैपिटल अकाउंट ए बी सी 238, 179,000, 1 लाख। एसेट्स में कैश इन हैंड 10,000 था, दस हजार में से वो लाया है बट हम लोग उसको बैंक से किया है तो उसको 10,000 ही रखो। कैश एट बैंक दिस इज इंपॉर्टेंट, कैश एट बैंक था हम लोग का 40,000,
और वो नया पार्टनर 1 लाख लाया है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 60 हजार लाया है, टोटल हो जाता है 2 लाख रुपया, राइट। कैशियर बैंक के पास डेटर से 60 हजार और पीडीडी ये 3 हजार। ₹57,000। स्टॉक प्लांट बिल्डिंग स्टॉक कम हो गया 4 हजार से, तो स्टॉक 36,000। स्टॉक के बाद आता है प्लांट, प्लांट 1 लाख था, प्लांट 1 लाख से 20 हजार को बढ़ा दिया तो 1,20,000 हो गया। और लास्ट में आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था 1.5 लाख, उसके साथ 15 हजार बढ़ गया तो 1,65,000 का हो गया। प्लीज टेल मी द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ द साइड्स। 5,88,000। 5,88,000 दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा, तो सम हम लोग का करेक्ट है। तो आप लोग टोटल करके देख लो, अगर नहीं होता तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:1:4, यानी कि 3:1, एकदम लास्ट में चले जाओ। एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट चेंज्ड, तो यहां पर हमको क्यों नहीं लगता है कि न्यू रेशियो कुछ बदल जा सकता है? तो देयरफॉर वी विल कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता। चलिए, ए इज टू बी 3:1, आई होप दिस इज क्लियर। सी आता है कितना शेयर में, बोला है क्या? सी मिस्टर सी का शेयर नहीं दिया हुआ, वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर ये बोल दिया है कि ए और बी का शेयर पहला जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, मतलब ए इज टू बी इज टू सी जब आप करोगे तो ये दोनों का रेशियो 3:1 ही रहेगा, इज टू समथिंग। तो याद रखना, यहां पर हम लोग का शेयर अगर बदल नहीं रहा है, न्यू रेशियो भी 3:1 दोनों के बीच आपस में वही हो रहा है, तो देयर फोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही माना जाएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ, वी आर नॉट डूइंग द जर्नल्स, जर्नल्स पहले पहला था हमने एक बार किया था हम लोग। वी आर स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक एंड फिक्सचर्स भी रिड्यूस बाई 10% एंड 5%, स्टॉक भी घटेगा टू स्टॉक, स्टॉक 20 हजार का 10% 2,000 रुपये से घट गया, टू फिक्सचर्स 1,000 रुपया का 5% 50 रुपीज, राइट। फिक्सर कितना है?
तो उसका 5% कट होगा। जो 10% तो स्टॉक है। तो ले अच्छा, हाँ सॉरी, स्टॉक है फ्यूचर, सही है, माय बैड। स्टॉक एंड फिक्सचर्स भी रिड्यूस बाई 10%, वो एक लाइन खत्म होता है। तो फिक्सचर्स 1,000 का 10%, 100 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेटर से 16,000, उसका 5%, 800 रुपया। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बढ़ रहा है, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का 20%, 5,000। पॉइंट नंबर ई, दे आर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। 1,000 रुपया का एक लाइबिलिटी है जो डैमेज हुआ हुआ है, पहले देना है हम लोगों को, हम लोग नहीं दिया, शुड बी क्रिएटेड। तो आप लिखोगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस। वन थाउजेंड। पॉइंट नंबर एफ, एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडेड इन सेंडी क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब पेमेंट नहीं करना है, क्रेडिटर कम हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स 650। तो आई थिंक क्रेडिट साइड इज मोर, तो 5650 क्रेडिट साइड में आया, माइनस 2,900, 3,900, हाँ 1,750। टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी 1,750 इंटू 3/4, इंटू 1/4, राउंड ऑफ कर लेना, 438 आ रहा है। वन थ्री वन टू, एक में राउंड ऑफ किया नेक्स्ट डिजिट पे, एक को छोड़ दिया। पॉइंट नंबर सी में प्रोविजन डेटर्स के साथ साथ बीआर के ऊपर भी बोला था, वी मिस आउट दैट पोर्शन। तो लास्ट में ये पार्टनर्स कैपिटल अभी नहीं होगा, आप लोग उसके नीचे एक्सटेंड कर दो। टू प्रोविजन ऑन बीआर 3,000 का 5%, 150, तो 1,600 आ रहा है क्या बैलेंस। टू पार्टनर्स कैपिटल ए 1,600 इंटू 3/4, बी 1,600 इंटू 1/4, 1,200, 400। बी आर के ऊपर भी था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कीजिए प्लीज, खत्म मत करो, पोस्ट करो, धर्म पालन करो, डोंट फॉरगेट रिजर्व फंड डे। ए बी सी, ए बी सी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीस हजार 16,000। बाई रिजर्व, जनरल रिजर्व, धर्म पालन का सेकेंड स्टेप, भाई जनरल रिजर्व लिखो, क्वेश्चन में रिजर्व फंड लिखा हुआ था वो लिखना चाहिए था एक्चुअली, माय बैड। भाई रिजर्व फंड 4,000 को बांटोगे ओल्ड रेशियो में, 3,000 1,000, 3:1 रेशियो, ठीक है अधीश। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन,
1200 400 रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो होता है नया पार्टनर अपना पैसा लाएगा बाई बैंक। फी का खाते में 10,000 और 5,000 का जो गुडविल है बाई पीएफजी। 5,000 को बांटोगे 3:1 में इट कमिंग टू हाउ मच 3750 1250 डू रिमेम्बर ये मत समझ लेना कि ओल्ड रेशियो से हम लोग बांट रहे हैं। दिस इज एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हिच इन दिस केस इज सेम। स्टूडेंट लोग पहला क्लास कुछ क्लासेस को अच्छे से देखता है, बाद में जब हम लोग सम करेंगे उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो आने वाला है वो सब नहीं देखते, उसको लगता है कि ओल्ड रेशियो से बांटता है पूरा गलत हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक ही काम है प्रीमियम बांटना, बाकी हर चीज में ओल्ड रेशियो लगेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विथड्रॉन बाय ए। तो टू बैंक बोल के 3750 का आधा कितना होता है? प्लीज हेल्प मी आउट देवरन्ना। पच्चीस वन 1875 1875 एंड 1250 का आधा कितना होता है?1875 6125 613 है कि ना? कितना आ रहा है देखो ना, 1250 का आधा 62। समझे क्या हुआ? ए और बी को मिला 5 PFG करके, उसका आधा वो टू बैंक करके उठा के लेके गया। 2 PFG मत कर देना। वी आर एक्चुअली विथड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक जो भी प्रीमियम मिल रहा था वो बिजनेस का कैश में रखा हुआ था। वी आर यूटिलाइजिंग दैट फंड। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेइंग कि आधा पैसा रखो बाकी आधा उठा के चलो पार्टी करता है। तो दे आर टेकिंग इट अप। और तो कुछ है नहीं, बैलेंस शीट ही निकाल लो। बैलेंस प्लीज टेल मी द फिगर्स। थर्टी 36075 सिक्स जीरो सेवन फाइव और 18025 एटीन जीरो टू फाइव अभी क्रॉस चेक, प्लीज क्रॉस चेक। वो करेगा तो सही में ए तो सीबीएसई है सब, कैलसी अलाउड नहीं है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 41,500 -650। सन्डे क्रेडिटर्स माइनस प्लस बाई क्रेडिटर्स 41,650 -5 सॉरी 41,500 -650। कितना आ रहा है? 48,50 हाँ 40,850। क्रेडिट के बाद रिजर्व फंड नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्लेम भी है, क्लेम क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000 दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन ब्रॉट क्लेम क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000 हाउ टू बी फॉरगेट दिस थिंग। कैपिटल अकाउंट ए बी
कैपिटल में था 360 एबीसी तीनों आएगा, 360 75। आप इसको इनर कलर में डाल के टोटल करके बाहर में भी डाल सकते हो। और यहाँ पर बैलेंस शीट का एसेट साइड कैश एट बैंक 26,500, $26,500 पहले से था, नहीं उसके साथ उसने 10,000 का कैपिटल लाया और 5,000 का प्रीमियम लाया और 2,500 का विथड्रॉ किया। कितना आ रहा है फिर? सॉरी, 39,000। 39,000 कैश एट बैंक डन। बिल रिसीवेबल 3,000 से पीडीडी माइनस हो जाएगा। कितना एक सेकेंड, तो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल था हम लोग का 3,000, 3,000 से प्रोविजन 150 माइनस करो, 2,850। डेटर 16,000। माइनस माइनस 16,000 माइनस प्रोविजन 800, 15,200। स्टॉक बीस हजार, 20,000 से 2,000 माइनस करके 18,000। फिक्सचर टॉप के बाद आता है फिक्सचर्स 1,000, उसमें 100 माइनस, नाइन हंड्रेड। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, वो बढ़ेगा 5,000 से 30,000 हो जाएगा। एनीथिंग मोर? ठीक डन, है। 30,000। आई होप दिस इज करेक्ट एवरीवन। देखो टोटल कितना आ रहा है, 105,950, 105,950। ओके, तो एडमिशन 17 में वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। जो हैंडआउट दिया हुआ है, जो पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड घोष एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। घोष इज टू ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। माइंड इट, गुडविल प्रीमियम का बोल दिया कितना है, 4,000 रुपीज। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री ए बी सी डी, चार अलग अलग केसेस के बारे में दिया हुआ है। आप लोग एक काम करो, आप लोग पहला पार्ट का कोशिश करो जर्नल बनाने का, दो ठो जर्नल बनेगा। यस, सबसे पहले यहां पर हम लोग देख ले रहे हैं न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट न्यू रेशियो देन ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 5:3। अब इसका पार्ट ए, पहला जनरल एंट्री होता है नंबर वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का नाम क्या है, घोष। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। घोष का कैपिटल अकाउंट में आप डालोगे 20,000 रुपीज,
और प्रीमियम फॉर गुडविल में डालोगे 4,000 रुपीज, टोटल आता है 24,000 रुपीज। इज दैट ओके एवरीवन? एंट्री नंबर टू, पीएफजी अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड टू ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? वर्मास कैपिटल, शर्मास कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:3। टू वर्मास कैपिटल टू शर्मास कैपिटल 4,000 इंटू 5/8 4,000 इंटू 3/8 2,000 एंड नहीं सॉरी 2,500 राइट एंड 1,500 2,500 और 1,500 आ जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में जाओ, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, दिस इज पार्ट बी। एंट्री नंबर वन सेम, एंट्री नंबर टू सेम, एंट्री नंबर थ्री विड्रॉ करेगा तो वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,500 1,500 टोटल 4,000। या विड्रॉ करोगे। पार्ट सी में बोलता है 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटन ऑफ, तो मतलब पहला एंट्री सेम होगा बैंक टू कैपिटल टू पीएफजी, सेकेंड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू वर्मा शर्मा, थर्ड एंट्री में टू बैंक जो हुआ था वो आधा आधा होगा 50% नॉट द होल अमाउंट। तो वर्मा अकाउंट डेबिट पहला दो एंट्री सेम, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक व्हाट विल बी द अमाउंट, मिला था कितना उसको? टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हाफ 1,250 एंड 750 टोटल 2,000 रुपीज। ओके सी तक क्लियर है? जो लोग का सी हो गया है मेरे को डी का आंसर बताने का कोशिश करो तो क्या होगा? प्राइवेटली का मतलब होता है कोई पार्टनर जब आता है वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होता है उसको प्रीमियम बिजनेस में नहीं दिया, अलग से दिया, कुछ सामान हो सकता है कुछ सर्विस हो सकता है, तो इसीलिए वो पेमेंट बिजनेस में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसका यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट, ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं होने वाला है।
दिस कंप्लीट दिस सम। इसके नीचे में नोट दे दो, एग्जाम में भी देखे आना है। नो एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एज इट वॉज पेड बाई न्यू पार्टनर प्राइवेटली। ओके, ओके। सम नंबर सेवन, सम नंबर सेवन में बोलता है लीला एंड मीता वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। उसने ओम को न्यू पार्टनर के थ्रू एडमिशन किया। एडमिशन जिस दिन हुआ उस दिन लीला एंड मीता का बैलेंस शीट में 16,000 जनरल रिजर्व में है एंड 24,000 पीएल में है। तो मैंने आपको बोला था धर्म पालन का सेकंड स्टेप होता है रिजर्व्स को बांटना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रिजर्व्स हो जाता है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑन ओम्स एडमिशन। तो आप इसको बांटोगे ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम सिर्फ पीएफजी में होता है। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो वी विल हैव टू पास ओनली रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री। क्वेश्चन नंबर सेवन, लीला एंड मीता का रेशियो 5:3 है और उस दिन वो लोग क्या किया, ओम को एडमिशन लिया। जिस दिन ओम को एडमिशन लिया उस दिन वो लोग के पास रिजर्व फंड में पैसा था और पीएल क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट में पैसा था। मैंने आपको बोला था जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराना प्रॉफिट या रिजर्व को बांट देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेगा। रिजर्व और प्रॉफिट लाइब्रेरी साइड में आता है, इसको बांटोगे तो डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व लिखोगे और पीएल ब्रैकेट में क्रेडिट अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल का नाम है एल्स कैपिटल एंड टू एम्स कैपिटल, लीला एंड मीता। अच्छा, तो रिजर्व का अमाउंट था यहाँ पर 16,000, पीएल का अमाउंट था यहाँ पर 24,000। टोटल कितना होता है 40,000। 40,000 को 5:3 में बांटोगे 25,000 और 15,000। रिजर्व टोटल कितना आता है 40,000। 40,000 को हम लोग बांटा 5/8, 40,000 को हम लोग बांटा 3/8, 25,000 15,000 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। उसमें वो लोग जेड को लाया जा रहा है, जेड का शेयर नहीं पता। जेड का जो शेयर है वो मिल रहा है एक्स से 1/4 ऑफ ही शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स का जो पहले शेयर था इंटू 1/4 करोगे। एक्स का पहले शेयर कितना था विष्णु, क्या कर रहे है? 5/8 इंटू 1/4। तो यू विल गेट एक्स ने कितना दिया। सिमिलरली वाई ने कितना दिया, वाई का पहले था 3/8 इंटू 1/3। ये हो गया मेरा एक्स ने कितना दिया, वाई ने कितना दिया। सपोज एक्स ने दिया 2, वाई ने दिया 3, तो जेड को मिला कितना 5। कैसे आया, जो जितना दिया है ना उसको लास्ट में प्लस करना पड़ेगा। यू विल गेट जेड का शेयर कैपिटल जेड 1,00,000 ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,60,000 है। वो 1,60,000 का वो सिर्फ 2/5 ला पाया, 3/5 नहीं ला पाया। मैंने बोला था क्लास में जो बंदा प्रीमियम नहीं ला पाता है उसके लिए करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है। तो यहां पर करंट अकाउंट आएगा।
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, जो जिसने सरेंडर किया वही उसका सरेंडर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। पहले आप लोग निकालो, एक्स ने कितना सरेंडर किया या सैक्रिफाइस किया, वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया। कैसे निकालोगे, 5/8 इंटू 1/4। यहां पर बोला है सबसे पहले देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सम। वी ऑल नो रिजर्व फंड बांटा जाता है, अभी हम लोग एक सम में किया था। रिजर्व फंड के साथ अगर लॉस भी होता है वो भी बांटा जाता है। यहां पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 40,000, और नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 16,000। ये फंड का, ये रिजर्व का यूज क्या है, वर्कमैन को कंपेंसेट करना। हम लोग पैसा हटा के रखा है एक फंड में कि कभी भी कोई आदमी, कोई वर्कर का अगर हाथ काट गया फैक्ट्री में, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम लोग कंपेंसेट करेगा, पैसा देंगे। तो ये तो कभी भी हो सकता है ना, इसलिए जब हम लोग के पास पैसा रहता है हम लोग वो पैसा हटा के रखते हैं, दैट इज नोन एज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो मेरा ये फंड में था 40,000। नॉर्मली अगर नया पार्टनर आता है तो ये फंड को ओल्ड पार्टनर लोग बांट लेगा, क्यों? नहीं तो नया पार्टनर आएगा तो वो भी बोलेगा हमको भी इसका शेयर बनाना चाहिए। वो तभी नया पार्टनर बन गया तो वो भी मालिक बन गया, वो भी मालिक बन गया। आज अगर हम और ये पार्टनर है सेंटर का, तुम अगर मेरे यहाँ ज्वाइन करता है तो हम लोग का जितना अधिकार है इस बेंच का, इस क्लासरूम का, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। तो अगर हम कुछ कैश बॉक्स में कैश रख लेता है तुम्हारा भी वो अधिकार आ जाएगा। इसीलिए नया पार्टनर आने से पहले हम लोग वो कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपस में। सेम थिंग गोज विद वर्कमैन कंपनसेशन ऑल्सो, लेकिन आप पूरा 40 को बांट नहीं पाओगे। कुछ लायबिलिटी हो गया, कुछ आ गया मेरा एक्सीडेंट, जिसके चलते हमको 16,000 रुपया वर्कमैन को देना पड़ेगा। स्टूडेंट को लगता है लायबिलिटी मतलब रिवैल्यूशन में होगा। अगर फंड में अमाउंट नहीं रहता तो 16,000 का आप रिवैल्यूशन में डाल देते, फंड तो बना हुआ है तो वहां से 16 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का जो पैसा बचता है 24,000, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब फिर हम लोग रिवैल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिवैल्यूशन अकाउंट से हम लोग का न्यू रेशियो दिया भाई क्या, एक बार रेशियो वाला कर लेता है। क्या था एक बार बोलो, पार्टनर का नाम एक्स इज टू वाई, राइट, 5:3, एक्स सैक्रिफाइस कितना, 1/4 ऑफ इस शेयर। 1/4 मतलब हो जाता है 5/8 इंटू 1/4, 5/32, 5/32। वाई सैक्रिफाइस, ये सब भी नहीं आता है क्या, बोलने के बाद हम बोल दिया था फिर भी नहीं कर पाया। थ्री बाई 24, राइट, वहां तक पहुंचा नहीं, पहले ये समझो ना। अब देखो हमको सैक्रिफाइस कितना करना है वो मिल गया है, अब उस दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए वी नीड टू हैव सेम डिनोमिनेटर, 32 और 24। 32 के साथ क्या इंटू करेगा, 24 के साथ क्या इंटू करेगा, ये थोड़ा सोचने लायक बात है। 32 और 24 किसका टेबल में आता है, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा।
इसको अगर आप काटते हो तो ये 1/8 आ जाता है, हमको 32 लाना है, तो 4 से इंटू कर दो, 4/32। देयरफोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:4, समझे कि नहीं? इधर ओके okay? अभी समझ में आ गया। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रेमाइसेस इज टू बी इंक्रीज ₹2 लाख। प्रेमाइसेस पहले कितना था? 1.5 लाख। तो ऑब्वियसली 1.5 लाख को 2 लाख से बढ़ाया नहीं गया, 1.5 लाख को बढ़ा के 2 लाख किया गया है, 50,000 से बढ़ाया गया है। बाई प्रेमाइसेस, जितना से चेंज होता है उतना लाया जाता है। लैंग्वेज को समझा समझना, 1.5 लाख का प्रेमाइसिस था, उसको 2 लाख से थोड़ी बढ़ा देगा, डबल के ऊपर नहीं होता है। प्रेमाइसिस के बाद आता स्टॉक, स्टॉक हो गया 5। पहले स्टॉक कितना था? अब यहां पर भी एक लॉजिक, 1,20,000 से थोड़ी घटेगा, स्टॉक घटा है 5,000 से, टू स्टॉक। इधर अंडरस्टूड डिविडेंड इट्स नॉट लाइक कि आपका 5,000 बन गया स्टॉक, 1,20,000 से रिडक्शन थोड़ी होगा। उसके बाद बोलता है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000 वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैव बीन ऑमिटेड। एक क्रेडिटर है जिसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको रिकॉर्ड करोगे? टू क्रेडिटर्स, अच्छा स्टॉक में डिक्रीज नहीं बोला, उसी लाइन में है प्रेमाइसिस के साथ, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो 22 स्टॉक 5,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, ये रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, पहले था कि नहीं देख लेना, पहले नहीं था तो पूरा ही डाल दिया। प्रीपेड सैलरी भी पहले नहीं था, ये भी एसेट है मेरा, तो बाई प्रीपेड। ₹2,000 प्रोविडेंट फंड, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात होता है, बाद में भी आएगा, तो डो नॉट गेट कंफ्यूज। प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, कभी वो रिजर्व फंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, पार्टनर्स कैपिटल में ये नहीं आने वाला है। तो प्रोविडेंट फंड पहले कितना था? 15,000। अभी प्रोविडेंट फंड कितना करने बोला है? 10,000। तो फिर 5,000 से लाइबिलिटी को घटाओ, पाई प्रोविडेंट फंड। अब इसको बैलेंस करो प्लीज, क्रेडिट साइज ज्यादा या डेबिट साइज ज्यादा? রিভ্যালুয়েশনে পিএফজি আসবে, হ্যাঁ তো আমি এখন কি করছি? ব্যালেন্স ইস তরফ আ রা হ্যায় 72, ইস তরফ আ রা হ্যায় 62। তো আই থিঙ্ক ক্রেডিট সাইড ইজ শর্টার, তো বাই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট 10,000 কো বাঁটোগে এক্স অর ওয়াই মে, 10,000 কা রেশিও ओल्ड रेशियो 5/8, कितना आ रहा है बोलो ना, डेसिमल में आएगा शायद। हो वही प्रॉब्लम हो गया। क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स प्रूव दैट 60,000 वन बिल, मतलब पहले क्रेडिटर 50,000 था, अब क्रेडिटर 60,000 हो गया, 10,000 से बढ़ गया, बाई क्रेडिटर होगा वो।
अंडरस्टूड। तो क्रेडिटर पहले 50,000 था और बोलता है एक बिल है जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, ऑमिट हो गया, तो क्रेडिटर्स को बढ़ाओ। क्रेडिटर को बढ़ाओगे तो टू क्रेडिटर्स 10,000। फोर्टी टू थाउजेंड आ रहा है। डिविडेंड प्रीपेड अनोनी 40,000। अच्छा, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई 40,000 को बांटो 5/8 3/8 25,000 15,000 इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,60,000 1,35,000 रिजर्व फंड है कुछ वॉचमैन कंपनसेशन रिजर्व वही वाला है धर्म पालन का सेकेंड स्टेप। बाई डब्ल्यू सी आर 24,000 को बांटना है इन 5:3 15,000 एंड 9,000 वॉचमैन कंपेंसेशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप था रिवैल्यूएशन का पोस्टिंग। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ था। पच्चीस हजार 15,000 15,000 एंड 25,000 एंड 15,000। नेक्स्ट स्टेप क्या था पार्टनर का कैपिटल बाई बैंक कितना कैपिटल लाया है 1,50,000। तो जेड का कॉलम में डालोगे 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है क्या ओनली 2/5। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में दिखा दे रहा है आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना चाहिए 1,60,000 का उसका शेयर कितना आया था जो लोग सैक्रिफाइस किया उसको अगर आप जोड़ दोगे जेड शेयर इज इक्वल टू 5/32 प्लस 4/32। एक्स ने दिया 5/32 वाई ने दिया 4/32 टोटल 9/32। ये हो गया जेड का शेयर। तो 1,60,000 इंटू 9/32 ये उसको लाना चाहिए बट वो लाया कितना 2/5। इसका 2/5 जो आएगा उसको आप बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 5:3। प्लीज कैलकुलेट।
45,000। एटीन थाउजेंड, 18,000 को 5:3 में बांटना है, ग्यारह हजार 250 6750। क्या पूछा? देखो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करें स्क्रीन में देखो ना, 1,60,000 × 9/32 × 2/5। और जो पैसा वो नहीं ला पाया वो हम लोग करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, जेड करंट अकाउंट। जेड करंट अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा 1,60,000 का 9/32 था, इसका वर्किंग नोट बना लो, बेटर होगा अपने लिए। दो तीन लाइन का जगह छोड़ो और आप यहां पर लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी ब्रॉट बाई जेड। 1,60,000 गुडविल है और उसका शेयर 9/32 है तो 42,000 आ रहा है। देखो तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, 45। फोर्टी फाइव थाउजेंड जो आया एक्चुअली ब्रॉट पैतालीस हजार का 2/5, 18,000। जेड कुडंट ब्रिंग पैंतालीस हजार का, 45 में से 18 लेके आ गया, बाकी का नहीं लाया, 27,000। ওটা একসাথে করিনি আমি, রেঞ্জি তো এইভাবে করছি। আব জেড কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মে तो 27,000 इसको आप लोग 5:3 में बांट दीजिए, सैक्रिफाइसिंग को तो ना 3 तो फाइव इश टू फोर। अच्छा तो ऊपर वाला भी गलत होगा भाई, पीएफजी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, 5:4। आई थॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3। जस्ट कैलकुलेशन को चेक करके बोलिए कितना आ रहा है। मतलब 18,000 को 5:4 में बांटो, 9, 9, 2, 2, 5, 10 एंड एट, सत्ताईस हजार को 9:5:4 में बांटोगे 15, 12। बस ये सम खत्म होता है, बैलेंस शीट ही बनता है, फिर बैलेंस शीट। यहां तक एक बार जल्दी से बना लीजिए, बैलेंस शीट कितना आ रहा है। हम लोग का बैलेंस सीडी आ रहा है 3,25,000 फॉर एक्स, 1,79,000 फॉर वाई एंड 1,50,000 फॉर जेड। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं हम लोग का सम करेक्ट है कि नहीं। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीस। क्वेश्चन पेपर देख देख के बैलेंस शीट बनाइएगा। सबसे पहले क्रेडिटर्स,
रेडिटर में रिवैल्यूएशन हुआ था, 60,000 हो जाएगा नया वैल्यू। प्रोविडेंट फंड में बोला था कि 10,000 का लाइबिलिटी है अभी, तो 10,000 बना दीजिए। वर्कमैन कंपेंसेशन हम लोग 16,000 को रख के बाकी बांट दिया था, तो 16,000 डालोगे आप, तो अभी बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड अभी जो आया था वो डालोगे, T25, 179 एंड 1,50,000, 325, 1,79 एंड 1,50,000। बैंक अकाउंट पहले था 29,000, उसने कैपिटल लाया है 1,50,000, बट ही कुडंट ब्रिंग एनी गुडविल, या ही ब्रॉट PFG, ही ब्रॉट 2/5 ऑफ हिज शेयर राइट, विच वॉज 18,000 आई गेस। पैंतालीस हजार में 18,000 लाया है, टोटल करो 1,97,000 आ रहा है क्या? आगे छीलो, ऑलरेडी बैलेंस 29,000 का था मेरा बैलेंस शीट में। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नो, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक स्टॉक में कुछ था क्या? स्टॉक बोला था 5,000 से बढ़ाना है, तो 1,30,000 हो गया। प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस में भी कुछ बढ़ गया है, पहले प्रेमाइसेस 1,50,000 था, अब वो 2,00,000 हो गया है, तब डायरेक्टली 2,00,000 डालोगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था ना जो, ये एक मिस आउट हो गया है, ये आप लोग बैलेंस शीट पर भी फिलहाल रखो, घर में जाके इसको दोबारा बनाओगे, इस सम को रीडू। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना चाहिए। कैसे डालोगे? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डाल देते हैं, अभी एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पार्टनर्स कैपिटल टू साइड, 16,000 को बांटो ओल्ड पार्टनर में 5:3, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 टू 10,000, 6,000। बैलेंस सीडी विल रिड्यूस बाई 10,000, इट विल बी 3,15,000 नाउ। एंड इट विल बी 1,73,000 नाउ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एसेट साइड में रहता है, वो लॉस होता है, उसके साथ एक और आइटम रहता है पीएल डेबिट। पीएल डेबिट मतलब लॉस, पीएल क्रेडिट अगर होगा तो वो बाई पीएल हो जाता। अब देखो बैलेंसेस को चेंज करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3,15,000 और ये हो जाएगा 1,73,000। क्या टोटल करो प्लीज, व्हाट इज द टोटल वी आर गेटिंग, बनाओ सब लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ना कितना था? आउटस्टैंडिंग रेंट था 12,000, और प्रीपेड सैलरी था, प्रीपेड सैलरी
2000 रुपीज एसेट साइड। तो ये साइड में आ जाता है तुम्हारा 7,24,000 प्लस 12, 7,36,000। जो करंट अकाउंट हम लोग ने डेबिट किया था वो तो बैठेगा, उसका तो बैलेंस रहेगा, जेड करंट अकाउंट। ये एसेट में आता है, डेबिट है, डेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। तो वो 27,000 इधर आया, तब जाके 7,36,000 मेरा टैली हो रहा है। दैट्स ऑल।